हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। पोपू जी, अरे पोपू जी, आप शैम्पू लेंगे क्या? ये बहुत ही खास शैम्पू है, एक बार खरीद लोगे तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। अच्छा मजाक है, बहुत अच्छा मजाक है। नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, एक बार खरीद कर तो देखिए। अरे क्यों दिन दहाड़े आँखों में धूल झोंक रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। जाओ अपना रास्ता पकड़ो और मुझे शावर बाथ लेने दो। अरे एक बार सैंपल तो ट्राई कीजिए, लीजिए इस्तेमाल करके देखिए। भूल ही नहीं रहा है, क्या करूं, इसे कैसे भी खत्म करो। मैंने तो पहले ही कहा था मोटू जी कि ये शैम्पू कभी खत्म नहीं होता, आपको सिर में सिर्फ एक ड्रॉप ही डालना था, लेकिन आपने तो इतना ज्यादा डाल दिया। तो क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही शैम्पू लगाए रहना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार फिर से अच्छे से धो लीजिए, बार बार धोइए तो धुल जाएगा। बड़े भैया, शैम्पू तो सचमुच बड़े कमाल का है, कितने के दे रहे हो? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 रुपए का है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है ना, इस वजह से आपको सिर्फ 2000 रुपए में शैम्पू दे रहा हूँ। पतलो पतलो, मैंने 2000 रुपए में ये शैम्पू खरीदा है। बना गया कोई उल्लू? उल्लू वो बना गया या फिर तुम मुझे उल्लू समझते हो? मेरी खरीदी हुई कोई भी चीज तुम्हें पसंद ही नहीं आती, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। आइए आइए, उड़ाने वाली बांसुरिया लेकर जाइए। ओ जाने वाले, तेरा ध्यान किधर है बाबू? अरे जादुई बांसुरी वाला इधर है। बड़े भैया साफ साफ बताओ, ये बांसुरिया क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है, जरा दिखाना तो। अरे वाह बड़े भैया वाह, क्या ये टोपी सचमुच इसी बांसुरी के बजाने से उड़ी? बड़े अजीब आदमी है आप, आंखों देखी बात पे भी भरोसा नहीं करते। नहीं नहीं बड़े भैया नहीं, भरोसा तो करता हूँ, तब तो ये बांसुरिया सचमुच चमत्कारी है। बड़े भैया क्या तुम इनमें से एक मुझे दोगे प्लीज? हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तो इन्हें बेचने के लिए ही बैठा हूँ। बोलो कौन सी चाहिए, छोटी वाली 5000 की और बड़ी वाली 10000 की? तो लाओ, तुम बड़ी वाली ही दे दो, लेकिन ये मेरे बजाने से भी काम करेगी ना? हाँ भैया। अरे क्यों नहीं करेगी भैया, तुम्हारा दिन अच्छा होगा तो जरूर करेगी। वैसे तुम चाहो तो बांसुरी बजा कर चेक कर लो, बड़ी बांसुरी के बजाने से कार उड़ जाती है। अब मैं जब इस बांसुरी को पतलू को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा। उस्ताद, मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि लोगों को कार में बंधी रस्सियाँ दिखती क्यों नहीं। ये खास रस्सियाँ हैं, खास चश्मे लगाने के बाद ही दिखती है। ये लो, ये काले चश्मे लगा लो, दिख जाएगी। चलो
अब जल्दी जल्दी ये प्लास्टिक कार उठा लो और झटपट यहाँ से निकलो। अरे पतलू, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। एक बार ये शैम्पू लगा कर तो देखो, ये कभी खत्म नहीं होने वाला मैजिकल शैम्पू है। मतलब तुम बिना लगवाए मानोगे नहीं। लाओ तो अभी लगा के दिखाता हूँ। अब अकल के दरवाजे खुले या अभी भी उसका जंगल का ताला नहीं टूटा। लगता है उस शैम्पू वाले ने मुझे सचमुच का चूना लगा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन ये बांसुरी जरूर काम करती होगी। चलो अभी तुम्हें दिखाता हूँ। भाइयों और बहनों, देखो देखो मेरी इस जादुई बांसुरी का चमत्कार। मैं अभी बॉक्सर भैया की कार को हवा में उड़ाकर तुम सबको दिखाऊंगा। ओए मोटू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू मेरी कार को हवा में उड़ाएगा? चल उड़ा, और अगर कार हवा में नहीं उड़ी तो मैं तुम दोनों को हवा में उड़ा दूंगा, समझ गए? जादू मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये लो, ये लो। अगर तुम उल्टी सीधी चीजें खरीदते रहते हो और अपने साथ मुझे भी बुलवाते हो। देखा पतलू, तुम बांसुरी की वजह से ही उड़ रहे हो ना? अरे मैं बांसुरी की वजह से नहीं, बॉक्सर के पंच की वजह से उड़ रहा हूँ। लेकिन तुम्हें अब तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कोई ठग लुटेरा तुम्हें उल्लू बना गया? अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम्हें कुछ सोचो आइडिया। चलो डॉक्टर झटका के पास चलो। ये गैंग तो आधे फुरपुरी नगर को लूट के चला गया। कसम मेरे मरीजों की, ये लो उड़ने वाला घोड़ा। और ये रहा उसका रिमोट। बस तुम तो उस आदमी का पता करो यार, फिर उसे मजा चखाते हैं। आइए आइए। घोड़ा तो उड़ता है। अगर ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। चलो बिल्ला बिल्ला। भाई साहब, आपका घोड़ा तो बड़ा शानदार है, ये तो उड़ भी सकता है। क्या आप ये घोड़ा मुझे देंगे? नहीं नहीं, मैं ये घोड़ा आपको नहीं दे सकता। ये तो जरूरतमंद लोगों के लिए है, जिनके पास आने जाने के साधन की परेशानी है। फिर तो आप मुझे ये घोड़ा जरूर दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैं पहाड़ियों के उस पार रहता हूँ, मेरे बाबा बीमार रहते हैं भाई साहब, मुझे उनकी दवा लाने के लिए बहुत परेशानी होती है, क्या बताऊँ। समस्या तो तुम्हारी बहुत ही कठिन है, गंभीर है बड़े भैया। लेकिन तुम ये घोड़ा खरीद भी तो नहीं सकते। मैंने इसे 1 करोड़ में खरीदा था। जिसे दूंगा तो कम से कम उससे 1 करोड़ तो लूंगा ही ना, मगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? हाँ भैया, है ना, मेरे पास है, मैं लाता हूँ। ये लीजिए भाई साहब, पूरे 1 करोड़ रुपए। ठीक है बड़े भैया, ठीक है, तो आज से ये घोड़ा तुम्हारा हुआ। इस पे बैठ के कहना, चल मेरे घोड़े उड़ उड़ उड़, और ये उड़ जाएगा। अभी मैं उड़ता हूँ, मेरा मतलब है चलता हूँ। ठीक है भैया। चल चल मेरे घोड़े, उड़ 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 उड़, चल मेरे घोड़े उड़ उड़ उड़, चल मेरे घोड़े उड़ उड़।
ये पंख तो मेटल के लग रहे हैं। अरे ये घोड़ा तो रोबोटिक है, पकड़ो पकड़ो, वो आदमी कहाँ गया? उस्ताद, उनके साथ ही आपकी जिंदगी भर की कमाई भी चली गई। उस्ताद, ये आदमी तो शेर पे सवा शेर निकला। उस्ताद आप ठग, तो ये महा ठग, आप लुट गए उस्ताद। अरे छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उस ठग को। बंद करो, मेरा लिया रुपया लोगों में बांटना बंद करो। ठग कहीं के मुझे नकली घोड़ा देकर ठग लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठग भैया, ये रुपया हम उन्हीं लोगों में बांट रहे हैं जिनको तुमने उल्लू बना के अपना शैम्पू और बांसुरी बेची थी। और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, पहले हम इसको बिना बांसुरी के उड़ाएंगे और बिना शैम्पू के झाग लगाएंगे, फिर आप इसे जेल ले जाना।